अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिंधी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक बनने वाली रेसिपी है। चले आइए उसको रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम 2 किलो चिकन लेंगे। आधा चम्मच जाएगा इसमें दादर मिर्च, 1 चम्मच जाएगा नमक और आधा और डाल देंगे। पीसी हुई सुरख मिर्च का चम्मच ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे इसमें चम्मच। आधा चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग और बड़ी इलायची इसी में डाल देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। आप मसाले ज़्यादा और कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। 1 पैकेट डालेंगे इसमें बिरयानी पैकेट का, सिंधी बिरयानी। पीसा हुआ कुटा हुआ इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। इस वक्त हमने मसाले इसलिए डाल रहे हैं, एक तो चिकन अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगा और मसाले इसमें रच जाएंगे, और दूसरी तरफ हम प्याज को जब तन करेंगे और मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। 1 किलो दही है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फेंट कर। इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब मिक्स हो चुका है, इसमें 2 हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसमें ये रेडी हो गया है, अब हम फ्राई करेंगे प्याज को। 1 कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। 3 पाव के करीब प्याज है, उसको कटिंग करके वो डाल देंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा हम दूसरी तरफ चावलों के लिए पानी रख लेते हैं। पानी में हम कड़ी पत्ता, लौंग, बालदियान के फूल और दालचीनी का ऐड कर देंगे। चंद पत्तियां हम पुदीने की ऐड कर देंगे इसमें। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। जब ये बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद 1 मरतबा इसको हल्के हाथ से हिला लेंगे और ढक्कन देके पकने के लिए रख देंगे। 70% तक चावल हो चुके हैं कुक, अब हम इनको पानी से नितार लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको डाल लेंगे किसी बर्तन में। प्याज निकाल लिया, उसी बर्तन में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल और उसको भून लेंगे अच्छे से। हमें मसाला भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अब हम इसके अंदर चिकन जो मैरिनेशन करके रखा था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम जर्दा कलर इस पॉइंट पे डाल देंगे, इससे हमारे चिकन की लुक बहुत अच्छी आएगी। इसको तेज आंच पे भून लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो रहा है, देखें सारे मसाले और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, चिकन ने भी अपना छोड़ दिया। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, आलू बुखारा ऐड कर देंगे, जो प्याज हमने ब्राउन किया था उसको क्रश करके डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा क्रंची सी आवाज़ आ रही होगी आपको। हमेशा मीडियम आंच के ऊपर इसको ब्राउन करना चाहिए, नहीं तो ये ऑयली ऑयली और क्रंची नहीं होता। फिर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमने नमक चेक किया और उसमें थोड़ा सा कम है, 1/2 चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे। हमने आपको इसलिए बोला था, हर घर की मिर्च का टेस्ट डिफरेंट होता है, किसी की तीखी होती है, किसी की रेड ज़्यादा होती है, किसी का नमक में नमकपन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है खारा, तो उस पॉइंट के ऊपर होता है, आप चेक करके डाल सकते हैं। बिल्कुल आप एग्जैक्टली उस चीज़ के हिसाब से ना डालें, अपने घर के मसालों के टेस्ट के हिसाब से डालें। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे,
देंगे इसमें पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, हरी मिर्चें, चिकन के स्लाइस ऐड कर देंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये है हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। इसको हम हिलाएंगे, ये देखें कितना अच्छा और खिला खिला सा कलर है।